ग्रामर पढ़ रहे थे हम, और ग्रामर पढ़ने के दौरान बात नहीं करना बिल्कुल भी। ग्रामर पढ़ने के दौरान कल हम स्टार्ट कर देते, तुम्हें बताया था कि ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस है। ग्रामर अगर इंग्लिश सीखने ना, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले ग्रामर को सीखना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारी इंग्लिश सीखने में बोलने में वो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, ये ग्रामर ही तुम्हारी गलतियों को दूर करते चले जाएगी। लेकिन उसे सिखाने का सबका अलग अलग तरीका हो, मेरा भी कुछ अलग ही तरीका। मैं कई साल बाद पढ़ा रहा हूँ, जब कई साल बाद पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसके दौरान मुझे ना बहुत क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ना इसमें अलग अलग तर्क देने पड़ेंगे, तो तुमसे सुनना भी पड़ेगा। अब मैं सुनूंगा तुमसे क्या समझाया, मैं पढ़ाऊंगा कम, सुनूंगा ज्यादा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, फोकस लगा समझना ठीक। तो हम कल क्या समझे थे, सबसे बड़ी चीज हो लेटर, लेटर लेटर ए से लेकर ए टू जेड, तुम बताया था ए से लेकर जेड तक ना ये लेटर ही हो हमारे, ए से लेकर जेड तक जो हमारी एबीसीडी सब याद होगी, छोटे वाली एबीसीडी। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ, कोई भी चीज पढ़ाता हूँ बहुत आराम से, प्यार के साथ, तसल्ली के साथ पढ़ाऊंगा, आराम से प्यार के साथ, सबको आ जाएगी टोटल इंग्लिश। तो ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक की अंग्रेजी सबको पता होनी चाहिए, समझ में आया बात या? दूसरा जो पॉइंट बताया था तुम्हें कि जो अंग्रेजी हो ना, अंग्रेजी का पूरा एक सेंटेंस हो, जब बहुत सारे वर्ड है ना, बहुत सारे लेटर हैं, बहुत सारे लेटर को आपस में जोड़ दोगे तो पूरा का पूरा एक वर्ड तैयार होगा हमारा, लेटर को आपस में जोड़कर वर्ड तैयार होगा। ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी क्या है, लेटर है, लेटर अक्सर अक्सर इस दुनिया में सुना गाना ठीक, तो वाला अक्सर नहीं है। तो अब हम समझेंगे लेटर के बाद हो वर्ड, वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द, शब्द। अब शब्द क्या हो, जैसे गुड, वाओ अच्छी बात है, गुड माने हो अच्छा। लव, एल ओ वी लव, लव माने हो प्रेम, जिसके चक्कर में दुनिया बर्बाद हो गई। हैट, यू कहते नहीं हैट यू, हट यू नहीं हैट यू, इसका मतलब समझो क्या है वो, इसमें कितने कितने लेटर, एक दो तीन चार, चार लेटर हैं, ये चार लेटर मिलकर पूरा का पूरा एक वर्ड तैयार कर रहे हैं। ये लेटर छोटी चीज हो, लेटर को मिलाकर हमारा वर्ड बनेगा, समझ में आया बात है? ये भी एक वर्ड, ये भी एक वर्ड, ये भी एक वर्ड, पूछ लूंगा तुमसे बहुत सारे वर्ड। इस तरह तुम क्लास में बचपन में पढ़ा जाते थे वर्ड मीनिंग याद करो, ऐसे ये वर्ड है इसका ये मीनिंग हो, ये वर्ड है इसका ये मीनिंग हो, बचपन से ये तो पढ़ाया गया, तो इस तरह करके हमारा वर्ड बनने वाला, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हो, ऐसे समझ में। और भी बताओ जो तुम्हारे दिमाग में पूरा पूरा जो वर्ड है ना, उससे ही अंग्रेजी सीख के जा, ऐसे समझ में। जब शाम को सोने, रात को सोने जाते हो तो क्या बोलते हैं, गुड नाइट, वो भी तो वर्ड है, गुड और नाइट, गुड नाइट इसका मतलब क्या हो, शुभ रात्रि, समझ आई बात है? क्या कोई दिक्कत खड़ी हुई किसी को, रात को बुखार चढ़ रहा हो तकड़े वाला, ये भी क्या बोल लेंगे, गुड नाइट। अरे सुबह को उठे तो क्या बोल लेंगे, गुड मॉर्निंग, बोलता नहीं मैं तो कोई सा भी, ऐसे समझ में, गुड मॉर्निंग, समझ आई बात है? दोपहर में गुड आफ्टरनून, समझ में आया बात है? ऐसे तो बोल लेंगे। जब कोई किसी को अच्छा लग जा तो पहली बार जा क्या बोल लेंगे, आई आई लाइक यू, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है अभी मेरा कोई इरादा नहीं है अभी नैना बोल ली आई लाइक यू, कोई बात नहीं, मैंने मैंने की तो बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने इधर आ जाओ। इसमें कितने वर्ड है, एक दो तीन चार, कितने हो गए, चार वर्ड, देखे खुलेआम अटैक हो रहा दिन में यहाँ इसमें कितने वर्ड, एक दो तीन, मजाक कर दो बुरा ना माने ठीक, चार वर्ड हो गए हमारे, तो इन चार अक्षर हो गए, लेटर हो गए नहीं, तो चार लेटर को बनाकर हमारा एक वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी हमारा एक वर्ड बनेगा, तो सारे के सारे क्या होंगे, वर्ड हो गए हमारे, समझ में आई बात है? जैसे एक क्वेश्चन है, एक बार मुझे एक लड़की ने मैसेज करा, उस पर वो जब मैं फेसबुक चलाता था, उसने मुझे लिखा, डू यू लाइक मी, ऐसा बोल रहा उसने मुझे, डू यू लाइक मी, तो डू का मतलब क्या, डी यो एक पूरा पूरा वर्ड नहीं है, यो भी एक वर्ड, यो भी एक वर्ड, यो वर्ड, इसका मतलब हो क्या तुम मुझे पसंद करो थो, इसका ही मतलब हो, ये तो मतलब हो उसका, सबको पता होगा इसका मतलब, तो इसका मतलब है, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अगर अंग्रेजी सीखनी ना, अंग्रेजी सीखने के लिए भैया वर्ड जरूरी है, अगर वर्ड नहीं होंगे तो अंग्रेजी सीखना मुश्किल हो जाएगा, समझ आई बात है? अब मैं क्या करूंगा, मैं हिंदी में पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखूंगा, फिर से इंग्लिश में लिखूंगा, तो एक पूरा का पूरा वाक्य तैयार करूंगा मैं, जैसे हिंदी में पूरा का पूरा एक वाक्य हो वैसे इंग्लिश में उसको सेंटेंस बोलो, सेंटेंस। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी सीखना तो इस तरह ही सिखानी पड़ेगी भाई, ऐसा देखो पूरा पूरा, अब इस शब्दों को मिलाकर हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाक्य, ये हमारा वाक्य होगा, समझ आई बात? जो सेंटेंस क्या हो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, क्या होगा सेंटेंस, अब जो सेंटेंस होगा ना गौर से सुनना, जैसे हम कहने लगे पूरा का पूरा, अच्छा ये तो वर्ड होगा मेरे, ये भी वर्ड होंगे, वर्ड होंगे, वर्ड होंगे, नहीं होंगे, अब बताओ, अब जैसे मुझे कहना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तो मैं यहां वाक्य लिखने जा रहा हूं पूरा का पूरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं,
जैसे ने बोलना भी ठीक करता हूं, इसे क्या बोलोगे? आई लाइक यू, समझ आई बात क्या? पढ़ी तरफ जाओ बस, ओनली लाइक, ओनली लाइक, हाँ हाँ लाइक बस, और कुछ नहीं। तो इसका क्या मतलब है? पूरा का पूरा यो एक वर्ड है, यो भी एक वर्ड, यो भी एक वर्ड, इन सब वर्ड को मिलाकर पूरा का पूरा एक वाक्य तैयार हो, सेंटेंस तैयार हो, समझ में आई बात क्या? तो सबसे बड़ी चीज हो लेटर, लेटर को आपस में जोड़ देंगे तो वर्ड बन जाएगा, और वर्ड की क्या खास बात होगी? उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, यूनियन की मीनिंग का मतलब उसका अर्थ होना चाहिए, यूनियन के पीछे करके कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया टी पी जेड एन, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, जिसका कुछ अर्थ ही नहीं है, जिसका कुछ का अर्थ ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है उसका, तो वो वर्ड नहीं कहलाने का। और जब वर्ड को आपस में जोड़ दो कि सेंटेंस बन जाएगा, ये हमारा सेंटेंस का मतलब वाक्य कहलाएगा। अब यहाँ तक बताओ वाक्य तक कुछ प्रॉब्लम है? कल मैंने यहाँ तक बात करी थी, यहाँ तक बताओ किसी बच्चे कुछ प्रॉब्लम है? सेंटेंस पता लग गया क्या हो? सेंटेंस वाक्य हो, और वाक्य कैसे बनेगा? पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? वर्ड को आपस में जोड़ोगे, और ये वर्ड है ना, इन वर्ड का अरेंजमेंट ही तुम्हें सीखना कि हाँ ऐसे लिखना, आई के नाम का लाइक क्यों लिखा है, यू पहले क्यों नहीं लिखा है, ये चीज हमें सीखनी, यही तो चीज हमें सीखनी, वो हमें ग्रामर तो पता लगेगी, और इसी के लिए कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना, ये लाइक ही क्यों लिखा है, ऐसे तो बोल सकते आई यू लाइक, आई यू लाइक नहीं बोल सकते, तुम्हें कैसे पता लगा आई लाइक यू ही बोलना? पढ़ली तरफ से मैंने कहा नहीं आई लाइक यू, पढ़ली तरफ से जवाब आया नहीं आई डोंट लाइक दिस, सही बात है, मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो मुझे कैसे पता आई डोंट लाइक दिस? आई डोंट, डोंट पहले बोलना मुझे, बाद में क्यों नहीं बोल सकते हम इसे? तो ये बात को पढ़ने के लिए तुम्हें ग्रामर पर जाना पड़ेगा, समझा ये बात है, वही सिखागा तुम कि कौन से वर्ड को कहाँ यूज करना कहाँ नहीं यूज करना। ये बात के लिए ही हमारा चैप्टर बनाया गया, उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, समझ आई बात क्या? कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना, जैसे मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ, सही बात, तुम कहाँ रहते, जैसे तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसे तो लिखेंगे इस सेंटेंस को, कैसे लिखेंगे तुम कैसे हो, तुम कैसे, जैसे किसी से बहुत दिनों बाद मिले तुम कैसे हो, आजकल तो फोन में भी इस तरह के, तुम कैसे हो, तो कैसे कैसे लिखेंगे, हाउ आर यू, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है नहीं, बताओ पहले है इस सेंटेंस में कितने वर्ड, एक दो तीन, तीन वर्ड इसके अंदर, तुम्हें कैसे पता लगा शुरू में हाउ ही लिखना और यू ही लिखना और आर ही लिखना, कौन से वर्ड का कहां यूज करना कहां नहीं यूज करना, हाउ आर यू कैसे यूज करना कैसे नहीं यूज करना, इस बात के लिए पार्ट ऑफ स्पीच आया। और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी सवाल पूछे अवस्त, जो मैं तुम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं, जैसे तुमने नाम सुना होगा नाउन, नाउन वर्ब, समझ एडवर्ब एडजेक्टिव, ये सारी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी सवाल आते हैं, तो कौन सा वर्ड कैसे यूज करना, इसीलिए हमारा एक चैप्टर बनाया गया ग्रामर के अंदर, उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझ आई, कंटिन्यू बढ़ेंगे आगे, चलो इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। तो जो वर्ड है ना, वर्ड जो हमारे वर्ड हो, वर्ड को यूज करने के आधार पर, वर्ड को, वर्ड के प्रयोग के आधार पर, वर्ड के प्रयोग का मतलब यूज के आधार पर, आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? आठ भागों में बांट सकते हैं ना, समझ में बात क्या? किसे भाग बांट सकते हैं? वर्ड को, जो तुम्हें बताया था पहले नंबर पर होगा नाउन, नाउन, और दूसरे नंबर का बताया था प्रोनाउन, प्रोनाउन, समझ में बात, तीसरे नंबर बताया था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, कल बताए थे चौथे नंबर का वर्ब, पांचवें नंबर का एडवर्ब, छठे नंबर का प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कल बताया था जो बच्चा नहीं आया था कल लिख लेना, सातवें नंबर का बताओ क्या बताया था, कंजक्शन, आठवें नंबर का इंटरजेक्शन, नौवें नंबर का, आठ ही थे बस, कोई दिक्कत, समझ में आया? तो हम स्टार्ट करने जाने वाले नाउन, कि नाउन क्या हो, क्या भला हो नाउन, किसे कहते हैं नाउन, समझ में आई बात क्या? हमारा जो कंटेंट है ना वो रहेगा इंग्लिश में, इंग्लिश का मतलब वो हिंदी में लैंग्वेज यूज करूंगा, पढ़ेंगे इंग्लिश में, लैंग्वेज में हिंदी यूज करूंगा, क्यों? क्यों तुम ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों उसे समझ सकते हो, तुम बात समझ में आई है? मैं तुमसे पूछने वाला हूँ ये क्या भला है, किस कैसे यूज करना है, ये समझाने वाला हूँ मैं, नाउन किसे कहते हैं, बहुत सवाल आते हैं नाउन से भी, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, छोटी छोटी परीक्षाओं में भी सवाल आते हैं, और एक भी सवाल तुम्हारा गलत नहीं होने का, एक बार तुम्हारे दिमाग में चढ़ चलेगा, लेकिन मैं पहले एक बार हिंदी में समझाऊंगा फिर इंग्लिश में लेकर जाऊंगा कंटेंट को, किसे कहते हैं नाउन, समझ में ये बात है, बेसिकली बहुत मजबूत हो जाओगे, और एक से फिर सुनूंगा क्या बताया गया, समझ में बात है। तो कॉपी में आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला उसका नाम है नाउन,
अच्छा ये का इस चैप्टर का नाम पता लगा था ना, चैप्टर का नाम पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, याद रहा ये बात, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब शब्दों के भेद, शब्द कितने, वर्ड कितने प्रकार के हो, वर्ड 8 प्रकार के हो, कैसे प्रयोग करने के आधार पर, कौन सा कहां प्रयोग करना, कहां नहीं प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना, ये हम बताएंगे तुमको। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा स्टार्ट करने वाले, उसका नाम है नाउन। अब सबसे पहले ही समझाएंगे नाउन कैसे कहते हैं। नाउन पता क्या, कुछ नहीं है नाउन, मैं भी कह रहा है यू भी वर्ड है, यू भी वर्ड है, ये सब वर्ड है, कुछ नहीं आए हैं। वर्ड 8 प्रकार के हो, कौन सा वर्ड कहां यूज करना, ये सब पता लगा तुम। अब नाउन पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ये थोड़ा ही नाउन था, परिभाषा लिखवा दी, क्या करोगे उसका, चार डाल लोगे उसका, समझ में आया बात या? ये वर्ड कुछ नहीं आए, और इन वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बना, ईंट ईंट को आपस में जोड़ो घर बना, समझ आई बात या? ईंट को आपस में जोड़ो क्या बनेगा, तू क्यों नहीं बोल रही, ईंट को आपस में जोड़ो क्या बनेगा, धरनी घर, आया समझ में? और ये एक घर दो घर इन सबको मिलाकर क्या बनेगा, बंगला हमारा, बंगला बना नहीं, तो कहते हैं बूंद बूंद तो घड़ा भर, बूंद बूंद तो क्या भर, तो कोई बात नहीं, बर्तन भर लो, क्या दिक्कत हो रही है, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। तो अब हम क्या समझने वाले, यू नाउन प्रोनाउन पढ़ोगे, सारे के सारे 8 वर्ड पढ़ लोगे, जब इन्हें फिर तुम पढ़ लोगे तो फिर क्या इसका मतलब, कौन कौन सा कहां प्रयोग करना वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, कहां नाउन प्रयोग करना, कहां प्रोनाउन, ये सीखना मुझे। और जिस सीख लोगे पूरा सेंटेंस सीख लोगे, जब सेंटेंस सीख लोगे तो अंग्रेजी सीख लोगे, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे। अब नाउन, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, संज्ञा। नाउन हो क्या, मैं भी कह रहा इट्स नथिंग, कुछ नहीं है, एक प्रकार का वर्ड है, हो क्या है इसका, किसे कहते हैं नाउन, कहां यूज होगा, मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा, और फिर एक उदाहरण तुमसे सबसे पूछूंगा, तुम अपने दिमाग से जनरेट करना होगा, दिमाग से बनाना होगा उदाहरण, वो पहले मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा तुम कि नाउन कैसे कहते हैं। अब मेरी बात गौर से सुन लेना, किसी भी हिंदी वाक्य में, अभी हिंदी की बात चल रही, किसी भी हिंदी वाक्य में किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, समझ बात, कोई गुण हो, गुण किसी के भीतर बहुत अच्छा गुण हो, समझ बात, व्यक्ति हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण हो, समझ नहीं बात, ये सब इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। जब हिंदी वाक्य के अंदर किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, वस्तु का नाम, वस्तु का, आया समझ, डस्टर नाउन है, भी घबराने की जरूरत नहीं है, स्थान का नाम दिल्ली, स्थान का नाम नाउन, डोंट वरी, आया समझ, गुण आई एम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गुण, बुद्धिमान हूं, मजाक की बात थोड़ा ही, आई एम ब्रेव, बहादुर, बहादुर हूं, उसका मतलब तो कुछ और, इसका मतलब नाउन कोई एक चीज नहीं है, एक वर्ड नहीं है, ये बहुत सारे वर्डों को मिलाकर बनाकर बैठते नाउन, बात समझ में आ रही, क्या कहने की कोशिश कर जा रही, कि जो नाउन हो ना एक प्रकार का वर्ड हो, और ये नाउन जो एक प्रकार का वर्ड हो, शब्द हो एक प्रकार का, हिंदी वाक्य को देखोगे तो हिंदी वाक्य को देखने पर तुम्हें लग जाए यार ये तो किसी स्थान का नाम, तो पक्की बात देख के पहचान लो नाउन है, यो नाउन भाई जी नाउन है, नाउन है, ऐसे देख के पहचान लेना, पहचान लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक। दूसरे नंबर पर किसी व्यक्ति का नाम हो सका, राम श्याम मोहन, समझे, करमचंद गांधी, फलाना ढिमका मुखड़ा, किसी का भी नाम हो सकता, एनीथिंग, इतने सारे नाम, ठीक, हेक्सोनिया, ठीक, अर्जेंटीना, प्लाना, मोन्टीना, सोना मोना मोना, कुछ भी, ये सब क्या है नाउन, कहाँ मिलेंगे तुम्हें वाक्य में, वाक्य में मतलब कहाँ मिलेंगे, सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर मिलेंगे, अंग्रेजी में जो सेंटेंस देख रखा ना उसके अंदर तुम्हें लग रहा ना यार ये तो किसी स्थान का नाम हो, तो तुम गुरु जी नाउन हो, ऐसे बोल, ऐसे इतना तो बोल सको, बोल सकते हो नहीं बोल सकते, अच्छा समझ में आ रहा बात, ठीक, और सुनो ध्यान से, सुनो अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब ये तो बात पता लग चुकी है हमें, किसी व्यक्ति का नाम होगा, स्थान का, गुण का, या कार्य भी हो सकता, कोई कार्य, कार्य फंक्शन भी हो सकता, दोबारा फिर समझ लो, कोई प्लेस होगा, स्थान होगा, व्यक्ति होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, व्यक्ति, व्यक्ति इंडिविजुअल, ये सब वर्ड जो मैं बोल के बता रहा हूँ ये वर्ड रिपीट करने, तुम किसी प्लेस का नाम या स्थान का नाम, देखो मैं इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ, हिंदी भी, किसी प्लेस का नाम हो सकता, स्थान का नाम हो सकता, प्लेस मतलब प्लेस इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में स्थान कहेंगे, उसके बाद ये किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, ऐसे समझ में, इंडिविजुअल या किसी स्टेट, अवस्था, ऐसे समझ में, समझ, या किसी मैटर, मैटर उसको बोलते हैं अवस्था,
या समझ समझ में क्या कहने को उसके जा रही, इंडिविजुअल हो सके, व्यक्ति हो सके, स्थान हो सके, प्लेस हो सके, ये सब जो नाम होंगे, या कोई थिंग्स हो सके, वस्तु जिसे कहते हैं, कोई थिंग्स हो सकते हैं जिसे हम गुड्स कहते हैं, वस्तु को हम गुड्स भी कहते हैं, गुड्स गुड्स माने वस्तुएं। बात समझ आई, कोई दिक्कत यहां तक? इतनी बात बता दो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नाउन। और कहां देखने को मिलेंगे तुम्हें? सेंटेंस के भीतर। किसके भीतर? वो कैसे मिलेंगे वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बात समझ आई ना? ठीक, अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं, मेरे मेन काम है समझाना, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं उसकी डेफिनेशन क्या हो। ठीक, किसी भी अंग्रेजी वाक्य में, किसी भी अंग्रेजी अंग्रेजी वाक्य ना लिखू तो सेंटेंस लिख दू, सेंटेंस लिख दू, अंग्रेजी सेंटेंस में, ध्यान से सुन लेना, सेंटेंस में वस्तु, किसी वस्तु, किसी वस्तु, वस्तु भी हो सका, किसी वस्तु, वस्तु का मतलब थिंग्स, उसके बाद स्थान भी हो सको, ठीक, किसी वस्तु भी हो सको, स्थान भी हो सको, या नाम भी हो सको, या गुण भी हो सको, गुण आदि के नाम को नाउन कहते हैं, नाउन कहते, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, अभी नाउन क्या हो? नाउन इज ए, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन पैलेस, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन पैलेस, पर्सन पर्सन भी हो सको, पैलेस भी हो सको, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन पैलेस इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन, इसका मतलब कि हम किसी प्लेस के या व्यक्ति के और आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, मेन काम है समझना, समझ में, मेन काम है समझना, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। आपने बता दिया गुरुजी किसी स्थान का नाम हुआ, तुम्हें लग रहा है किसी स्थान का नाम, मैंने कहा ना मुंबई, तो तुम देख बजाना गुरुजी नाउन में, सुनो आया समझ, मैंने कहा ना, मैंने तुम आया, मैं आया तुम्हारे पास, मैंने कहा सेंटेंस लिखा हुआ तुम्हारे सामने, इसे देख के अंदर बताओ, इसके अंदर लिखा हुआ मोहन जी, आपने बताता किसी का नाम हो वो भी नाउन, देख के पहचान लोगे कि कौन सा नाउन होगा, तुम्हारा काम होगा सेंटेंस देख रखेगा उसके अंदर ये पहचानना कौन सा नाउन होगा। बात समझ में आई? अब मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा तुम्हें, और उदाहरण देकर तुमसे पूछूंगा इसमें कौन सा नाउन होगा। नाउन बहुत प्रकार के अलग अलग, बस देखना उसके अंदर कोई गुण की बात तो नहीं कर रखी, कोई वस्तु तो नहीं है वहाँ, कोई बात कर रहा है ये मोबाइल फोन एक प्रकार का वस्तु ही तो हो, अगर मोबाइल कोई माय मोबाइल फोन इज बेस्ट, इसमें मोबाइल फोन की बात हो रही, या तो वस्तु ही या भी नाउन, ऐसे समझ। अब मैं बहुत सारे अंग्रेजी के ना, अंग्रेजी के पूरे सेंटेंस लिखूंगा और उसमें तुम्हें देख के ये पहचानना कौन सा नाउन होगा, हिंदी में लिखने का अंग्रेजी में लिखूंगा सेंटेंस और तुम्हें क्या पहचानना कौन सा नाउन होगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? ओके, मेरे पास तो मैं बोलने जा रहा हूँ सेंटेंस, तुम बताना यो है नहीं है नाउन। ठीक, चलो आ जाओ पहले देखते हैं, पहले ही बताओ, पहले इसके थोड़े से उदाहरण दे दूं। विजय, विजय ये किसी का नाम है? नाम है, यस और नो? नाउन है। एक और देखिए मेरे सामने उदाहरण, स्कूल, स्कूल क्या प्रकार का स्थान नहीं आया क्या? और जो स्थान हो नाउन है हुआ, शाबाश। एक और मेरे सामने उदाहरण आया मूवमेंट, एम ओ वी ई एम, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब वो हिलना डुलना, हिलना डुलना क्या है एक प्रकार का गुण है एक प्रकार का, और जो प्रॉपर्टी है उसकी, वह कोई इंसान है, देखा ना कुछ इंसान ऐसे हिलते डुलते रहा, कुछ ऐसे जो क्लास पढ़े हुए ऐसे जाएंगे नहीं करते हुए, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण हो, सही बात है। ठीक, आज ऐसे किसी ने कुछ कह दिया आधार कार्ड का मुंह बना के बैठ जाएंगे, क्या है गुण, प्रॉपर्टी है, राध्या से उनको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, सही हो कोई कुछ भी कह जाओ, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं, तो ये भी एक प्रकार का नाउन हो। ठीक, और सुनो नाउन के बहुत उदाहरण है, उसके बाद है दिल्ली, बताओ नाउन है? पक्की बात है नाउन? ठीक, और सुनो और सुनो और सुनो, राइस, राइस, राइस माने क्या हो? है क्यों नहीं है वो? देखो ध्यान से सुन लो चित्र, मैं भी समझा रहा हूँ, किसी प्लेस का नाम हो, किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, सब नाउन होगा, समझ में आया बात? या ठीक, और भी तुम्हें उदाहरण देता हूँ, तुम बताना ये नाउन है कि नहीं है। ठीक, चलो जिसे लिखा हुआ मैन, एम ए एन है, उसके बाद एक और देता हूँ नाम तुम, बुक है, बुक एक प्रकार की वस्तु नहीं है क्या? तो नाउन में आ गया। एक और उदाहरण देता हूँ तुम,
कंट्री COUNTRY आर वाई कंट्री है, हाँ है, क्यों नहीं है, है यो है ना, करो यहाँ बैठ कर ये बताओ नाउन है क्या यो? ठीक, इसका मतलब तुम नाउन समझ चुके, नाउन समझ चुके नहीं समझ चुके? अगर नाउन बताना हो किसी को बता दोगे नाउन? अभी नाउन के बहुत सारे प्रकार हो, मैं उन पर नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले ही बताऊँ नाउन बता दोगे क्या? ठीक, एक और उदाहरण देता हूँ तुम, बताना एक पूरा सेंटेंस बोलो, तुम बताना इसमें नाउन है कौन सा, नाउन कौन सा नहीं है, मत पगली प्यार हो जाएगा। गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड है समझो, दैट इज माय मार्कर, है तो है क्या है? मार्कर, अब मार्कर तो वस्तु हुई तो नाउन होगी, इसका मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, समझ की बात या, जब किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, समझ की बात या, तो उसे देखो तुम एकदम आराम से पहचान लोगे जी गुरुजी एक प्रकार का नाउन है आयो, बात समझ में आई है, नाउन पता लग चुका क्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से कि जो नाउन है ना, जो नाउन वो एक एक भी हो सके और बहुत सारी भी हो सके, नाउन एक भी हो सके और बहुत सारी भी हो सके, दोबारा फिर समझो, अगर नाउन एक हुआ तो उसे बोलेंगे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, अगर बहुत सारे हुए तो बोलेंगे प्लूरल नाउन, प्लूरल, बहुवचन, अगर बहुत सारे हुआ, समझ नहीं बात यार, चलो आराम से पहले एक काम करो, यहाँ तक का सारा नोट करो, दोबारा फिर सारा नोट करो यहाँ तक, अब हमारी हेडिंग बनेगी, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ यानी नाउन के प्रकार, इसका मतलब नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के, पांच प्रकार के हो, और पांच के पांच प्रकार के नाम बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं और एक एक को तमीज से लिखने जा रहा हूं, ये वाली हेडिंग बनाओ कॉपी में, काइंड्स ऑफ नाउन, अरे रफ के अंदर फिर कॉपी में, चाची याद आ रही है, काइंड्स ऑफ नाउन, और ये हो पांच टाइप के, नंबर फर्स्ट, पहले नंबर का नाम लिखो, कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन का नाम भी लिख लेना हिंदी में, इसका नाम है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा जो हमारा नाउन होगा, ये सब समझने वाले बहुत आसान है, बहुत आसान, कॉमन नाउन, दूसरे नंबर पर मटेरियल नाउन, स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी बिल्कुल भी, MATERIAL, मटेरियल, मटेरियल नाउन, इसे कहते हैं भैया पदार्थवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर का जो नाउन होगा भैया उसका नाम है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इसका नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथे नंबर का नाउन उसका नाम होगा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कोलेक्टिव नाउन, इसका नाम होगा समूहवाचक संज्ञा, पांचवें नंबर का जो नाउन होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका नाम भाववाचक संज्ञा। और एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी मैडिंग बना लो, कॉमन नाउन इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या हो, ये क्या बोला कॉमन नाउन? अभी तुम्हारा नंबर आ गया, अब जा कि नाउन कॉमन नाउन हो क्या। कॉमन नाउन हेडिंग बना लो, कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन क्या हो, ध्यान से सुनना चतरीके से। ये एक प्रकार का नाउन नहीं हो, ऐसा नाउन होगा मैं सुमन समझ लो जो किसी जाति का बोध करवाता होगा। जब हम बुक की बात कर रहे हैं तो बुक बहुत सारी होगी, एक थोड़ा ही होगी, ये बुकों की प्रजाति होगी। यह भी बुक, यह भी बुक, ये भी बुक, वो भी बुक, ये भी बुक, बुक बुक बुक, बहुत सारी प्रजाति होगी। तो एक ऐसा नाउन जो जाति का बोध करवाता हो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हमने कहा लेडीज, तो लेडीज एक हो, एक हो, बहुत सारी लेडीज हो तो लेडीज की बहुत सारी जाति नहीं होगी एक प्रकार की है। तो एक ऐसा नाउन जो जाति का ज्ञान करवाता हो, जाति का बोध करवाता हो, बोध का मतलब ज्ञान हो, आया समझ में, जो मैं जाति के बारे में जानकारी देता हो। जाति यानी है एस सी एस टी ओ बी सी, ये बड़ी जाति नहीं कह रहा हूं मैं, सही बात यह कि कश्यप हुए और ये एस सी हुए और ये ओबीसी गिरी हुए, ये वाली जाति नहीं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कौन सी जाति की, कि वो सेम प्रजाति कौन सी उसकी, उसकी बहुत सारी संख्या होगी, जो समझ आई बात या। तो पूछेंगे तुमसे कॉमन नाउन क्या हो, एक ऐसा नाउन जो हमारा सिर्फ उसके जाति का, जाति की जानकारी देता हो, उसकी कास्ट क्या है, उसकी किस प्रजाति का हो, किस स्पीसीज का हो, बात समझ में, कौन सी स्पीसीज है उसकी, क्या जाति है उसकी, क्या प्रजाति है, जो इसकी जानकारी देता होगा, नॉलेज देता होगा, उसके बारे में बताता होगा, आ लिया तुमसे सुनने। तो एक ऐसा नाउन मैं लिखता हूं यहां से, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाउन, ऐसा नाउन जो, मत लिखो, जो जाति के बारे में जानकारी देता हो, जाति स्पीसीज, जाति के बारे में जानकारी देता हो, जानकारी देता हो, उदाहरण भी दूंगा बहुत सारे देता हो। एग्जाम्पल नाम लिखा हुआ सी एच ए आई आर, चेयर, चेयर माने क्या हो, कुर्सी होती, तो चेयर्स जो हो जाएंगे ना तो कुर्सी एक ही होगी कहीं, तो कुर्सी तो बहुत सारी हो सकती है, तो इसे बोलना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है? जैसे हमने कहा बुक, कोमा लगा कर बुक, तो बुक एक होगी, बहुत सारी बुक होगी यार, बहुत सारी बुक होगी, आया समझ में, एक थोड़ा ही बुक होगी। जैसे हमने कहा कंट्री, सी ओ यू एन टी आर, कंट्री, तो कंट्री एक होगी, कंट्री माने क्या हो, देश, देश एक ही कही, बहुत सारे होंगे, तो इसका मतलब ये कंट्री का एक ऐसा शब्द जो मैं बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है, समझ में बात है, बहुत सारे देश के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देगा ना वो हमारा कॉमन नाउन होगा, समझ में आई बात है, इतनी चीज समझ रही तुम, ठीक। एक और लिखने जा रहा हूं, तुम बताना इसका क्या होगा। मैन, एम ए एन, मैन माने क्या हो, आदमी, और आदमी एक हो, तो कौन सा नाउन होगा, तो तुम, कोई तुमसे पूछने लगा कॉमन नाउन क्या हो बता दोगे, ठीक है, चलो इसे उतारो, नोट करो, इतना ही नोट करो, पहला पहला पॉइंट नोट करो, नोट कर लो सर, ओवर एक्टिंग की दुकान। सुनना होगा तुमसे, हटा दो सर। अगर कोई ऐसा नाम है,
अगर कोई ऐसा नाम, ध्यान से सुन लेना कि मटेरियल नाउन क्या हो, अगर कोई ऐसा नाम मेरे पास मौजूद है जिससे मुझे इस बात की जानकारी मिल रही, ऐसा नाम मेरे पास मौजूद है, ऐसा नाम मेरे पास मौजूद है जिससे मैं पता किस बात की जानकारी मिल रही, जिससे मुझे इस बात की जानकारी मिल रही कि उससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके। मटेरियल का मतलब क्या हो, एक ऐसा नाम या एक ऐसा नाउन जिससे वस्तु बनाई जा सकती हो, जिससे दूसरे मटेरियल बनते हो उसे मटेरियल नाउन बोल रहे हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड से हम आभूषण नहीं बनाते, गहने नहीं बनाते, जो महिलाएं धड़ी धड़ी गहने पहनती है, आया समझ में, बनाते नहीं बनाते, जो जैसा गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, चांदी की पजेब, आया समझ में, चांदी की पजेब लड़की बहुत पसंद हो, चांदी का लोकेट भी आता नहीं, चांदी की चैन भी आती है, चांदी की बहुत सारी जंजीरें भी आती है, मेरे पास चांदी की 2-3 जंजीरें रखी, मुझे गिफ्ट मांगी थी, पता भी नहीं किसने दी, डाक पोस्ट आई थी, समझ में आया बात, या आज तक मैं नाम ही खोजता रहेगा। तो ये सारे के सारे जो नाम होंगे ये कौन से नाउन है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, जैसे हमारे हम कह सकते हैं ऐसा नाउन सारे वर्ड ही है, एक ऐसा नाउन जो पदार्थ के बारे में जानकारी देता है, पदार्थ के बारे में जानकारी देता है, जानकारी देता है। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, आयरन माने लोहा हो, उसके बाद और बताओ, मिल्क केक, मिल्क बताओ, मिल्क से क्या क्या बनाया जा सके, बहुत चीजें बनाई जा सके, पनीर बनाया जा सके, बहुत मेरी फेवरेट चीज हो, आया समझ में, दही बनाया जा सके, दूध बनाया जा सके, और बताओ कुछ हो तुम्हारे दिमाग में जो मटेरियल, वाटर, वाटर भी तो उसमें ही आएगा, वाटर से क्या बनाया जा सके, रंग बनाया जा सके, होली खेली जा सके, है ना, लिख लिया ना यहां तक, दूसरा वाला लिख लिया, दूसरा भी लिखो, जिन्होंने लिखा लिखो फटाफट, तीसरे नंबर का आने वाला प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, एक ऐसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, बोध का मतलब जानकारी मिलती है, जैसे फेवरेट जगह मेरी गोवा वाले, आए समझ में, एक मारूंगी मेरा सुधर जाओ, ये करके दिखाओ, तो किसी व्यक्ति का नाम हो सका, स्थान का नाम हो सका, जैसे मोहन, श्याम, और बताओ भाई, बिल्कुल जी, लो जी, क्या बात कर रहे, राम राम जी, और बताओ जी, घर जाके लिख लियो, अपने बापू का भी नाम लिख लो, तो मना थोड़ा ही कर रहा है, ओके जी, ठीक है जी, कितने नाउन हो गए जी, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, रहे कितने नाउन जी, दो नाउन, एक तो कलेक्टिव नाउन रहा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहा, तो हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। नाम देखो सब कुछ छिपा हुआ हो, जहां समूह, बहुत सारा समूह इकट्ठा हो जा, बहुत सारे लोग इकट्ठे दिखाई देंगे तुम, तो कलेक्टिव नाउन होगा। देखो यहां लिखा हो जाति, जहां तो जाति की पहचान हो, देखो यहां लिखा हो पदार्थवाचक, जहां मटेरियल के बारे में पता हो, दूध होगा, दही होगी, कौन सी चीज कहीं मिलकर बननी हुई, नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ, मटेरियल ये प्रॉपर नाउन अपने पूरे पूरे होंगे,
मोहन किसी इंसान का नाम हुआ, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, समझिए। ये हमारे नाउन क्या है, नाउन। अब यहां से हम इसे हटा रहे, उसके बाद तीसरा पढ़ रहे। तीसरे का नाम बताओ क्या था, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का नाम क्या है, देखो कैसा नाउन हो, एक ऐसा नाउन हो, दोनों सुन लो ध्यान लगाकर, एक ऐसा नाउन होगा जिससे नाम व्यक्ति या समूहों का बोध होगा, जहां बहुत सारी समूह की जानकारी मिलेगी। जैसे आर्मी लिखा हुआ, आर्मी तो आर्मी में खाली एक इंसान होगा, बहुत सारे लोग होंगे नहीं, इसका मतलब कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अच्छा ये बताओ, हमने कहा चाइल्ड, तो चाइल्ड में एक बच्चा होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, आए समझ में। चलो एक उदाहरण और दे रहा हूं तुम्हें बताना, जो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ फैमिली, तो फैमिली में अकेला ही होगा, फैमिली में बहुत सारे होंगे, आए समझ में। जैसे हमने कहा भैया फ्रेंड्स, तो मेरी फ्रेंड्स एक होगी, और मेरी फ्रेंड, मैंने कहा फ्रेंड, तो फ्रेंड का मतलब एक होगी, बाद में हटा नहीं, फ्रेंड, फ्रेंड एक होगी, बहुत सारी होगी, फ्रेंड्स बहुत सारी होगी, फ्रेंड एक होगी, आया समझ। मेरी तो फ्रेंड कभी बनी नहीं अभी तक, ना बन सकती, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स बनी, तो फ्रेंड्स का मतलब एक है, बहुत सारी, तो बहुत सारी कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, फालतू की वीडियो इकट्ठी कर रखी। एक और सुनो, एक सुनो 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 वीरो, ग्रुप, ग्रुप एक का हो, बहुत सारों का हो, तो कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक। लिखो एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाउन जिससे व्यक्ति समूह का बोध होता है, व्यक्ति समूह का। ये परिभाषा किसी पेपर में लेने की, ये परिभाषा मेन काम है समझना, किसी पेपर में लेने की है, मेन चीज समझना की, तो समझ में आएगा कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। बोध का मतलब जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है। जैसे आर्मी, ग्रुप, फैमिली, FAMILY ETC। चुप हो जा ग्रुप, पिछड़ जा, कुछ कह दे तो। भगवान ने पता नहीं ऐसा ऐसा पीस कैसे बनाया, मतलब भी जरा सा भी खुश आई थी बिल्कुल। दोपहर में बैठ कर बना रहा हूँ मैं भगवान, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ यार, तुम कहाँ सोच रहे, समझ गए ना तुम, तुम सब समझ गए ना। पांचवें नंबर, क्या लड़ना किसी के साथ यार, चुपचाप रह गए शांति से। ये बताओ कौन सा नाउन होगा, क्या नाम है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भाव आगस्म पढ़ गई थी कर दो, तो फिर कैसे पता तुझे कौन पढ़ा रहा तुझे। देखो जो ना ऐसा नाउन होगा इस बार ना जो काम कर रहे होंगे उसके गुण का भाव, उसका उसका भाव निकल कर आगा। जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें अंदर से फीलिंग आ गई, सुनो क्या आ गई, जैसे लिखते हैं कि कोई भी काम हो रहा है, जैसे लव, लव में फीलिंग हो, इसमें तो फीलिंग ही फीलिंग हो, आया शुरू से में तो अच्छा लगेगा, शुरू से में कर लेगा पत्ते उड़ रहे, जब चार पांच महीने बीत जाएंगे फिर लगेगा तोते उड़ रहे,
जैसे फियर, फियर का नाम सुना डर, डर का नाम सुना, तो डर में क्या फीलिंग नहीं होती। बात मान लो तुम्हारे घर में रात को कोई नहीं है, आए समझ में, और तुम अकेले, तो रजाई को चारों तरफ से दबा लो कभी भूत इसमें घुस जा साइड में ऐसा ही होगा। चलो ठीक है। और फिर रात को जब 12 बज जाए ना, तो किताब बंद करी तो इन्हें छन छन की आवाज आ रही, और आधे इतने खतरनाक हो, रात को 12 बजे के बाद ना अपने बॉयफ्रेंड पे वीडियो कॉल लगा बैठे हुए, उन्हें किसी उसी छन छन की नहीं, उसे मन मन की आवाज आ रही, घर वालों क्या रहे पढ़ रहे। चलो और सुनाओ, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट में फीलिंग हो। आसान भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में, जैसे मैं रास्ते में गया, गुजरा रास्ते में, को आए समझ में, तो तुम, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मुझे नमस्ते करो, अपना भी करो, क्या है फीलिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, तुम अंदर से भाव आओ, सकल देख कर अपने आप ही पढ़ने वाला मूड हो गया। आए समझ में, जैसे मैं एक बच्चे, एक लड़की मुझे कल कहती हुई कहती, आपकी सकल ही देख के कर लगा किताब उठा लो, मैंने कहा मैं किताब सकल पर किताब रखी हुई, समझ की बात यह, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की फीलिंग है, फीलिंग फीलिंग कैसी तसी होगी भाई सारी। ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या, सुंदरता, सुंदरता एक प्रकार का गुण हो जो हमारे पास नहीं है, आए समझ में, तुम्हारे पास तो है ही है, तुम तो सारे सुंदर हो यार। चलो लिखो एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाउन, आज नाउन खत्म हो गया, एक ऐसा नाउन जिससे गुण अवस्था, जिससे गुण अवस्था का बोध होता है, गुण अवस्था का बोध होता है। एग्जाम्पल लव, इसे नहीं बोलने के, फियर, एक बार मैंने किसी को बोल देता हैट, आई हैट यू, 20 दिन तक वो लोग, अरे किसी दिन नोरी, हैट होगा ना। आगे चलो, अच्छा रेस्पेक्ट लो, ये हमारे पास हो गए नाउन के टाइप, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अभी सारे रिपीट करवा रहा हूँ, जितने मैंने पढ़ाए सारे के सारे, जितने भी नाउन पढ़ाए हैं ना सारे के सारे रिपीट करवा रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक, फिर उसके बहुत सारे उदाहरण इसके हम कंप्लीट करेंगे, इसके उदाहरण, समझ में आया बात है। सबसे पहली बात, नाउन किसे कहते हैं, अपनी साधारण भाषा में पता होना चाहिए नाउन क्या हो, उसी डेफिनेशन नहीं रटनी बैठ कर, किसी पेपर में नहीं पूछे जाएंगे डेफिनेशन कभी भी, समझ में आया बात क्या। ये तुम्हारी सिर्फ समझ बढ़ाने के लिए, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इंग्लिश के वर्ड, ये भी तुम्हारी इंग्लिश मजबूत हो रही, लिख तो रहे, समझ गए। अब नाउन किसे कहते हैं, किसी भी अंग्रेजी भाषा में ना, अंग्रेजी, अंग्रेजी में कोई सेंटेंस होगा, ठीक, अंग्रेजी सेंटेंस में देखो किसी वस्तु का, स्थान का या गुण का, ठीक, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सको, किसी का गुण हो सको, समझ, मटेरियल भी हो सको, पदार्थ भी हो सको, उन सबको हम वो कहते हैं नाउन कहते हैं। जैसे विजय होगा नाम, तो तुम देखोगे जी नाउन है, स्कूल होगा यह स्थान एक प्रकार का, सही बात, ये भी नाउन, दिल्ली होगा ये भी नाउन, ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी होगी, गुण होगा, सही बात है। राइस, राइस माने चावल, एक प्रकार की वस्तु में गिन लो, दिक्कत थोड़ा ही है सर, यो क्या है मैन, यो बुक, यो क्या कंट्री, ये सब नाउन है। अब सवाल है नाउन, जो नाउन है उसे कितने काइंड्स हो, काइंड्स माने वो प्रकार, देखो यहाँ लिखा है बनाई काइंड्स ऑफ नाउन, तो उसमें पहले हमने समझा कि जो नाउन हो उसके 5 प्रकार हो। पहले नंबर पर हमने समझा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बोल कर देखो मेरे साथ, कॉमन नाउन, दूसरा मटेरियल नाउन, तीसरा प्रॉपर नाउन, और चौथा हमारा कलेक्टिव नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोबारा फिर समझा रहा हूं मैं, और सारे सुन लूंगा तुम सभी, और कल को भी सारे सुने जाने हैं तुमसे, क्या क्या बताया गया था, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सवाल है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ये एक ऐसा नाउन होगा जो, ये ऐसा नाउन होगा, ध्यान से सुनना, ऐसा नाउन होगा जो हमें किसके बारे में जानकारी देता होगा, ये जानकारी देता होगा जाति के बारे में, जानकारी देता होगा किसके, जैसे लिखा चेयर, तो चेयर एक थोड़ा ही होगी, बहुत सारी होगी, उसके बाद लिखा बुक, अकेली बुक होगी,
बहुत सारी बुक होगी, उसके बाद ये बताइए, बताओ कंट्री, एक कंट्री होगी, बहुत सारी कंट्री होगी, उसके बाद क्या मैन, अकेला मैन होगा कोई, तो ये समझाओ इसे क्या बोल रहे हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। मैं पूछूं मटेरियल नाउन क्या हो, तो आप बताओगे जी एक ऐसा नाउन हो जो पदार्थ के बारे में जानकारी देता हो, मटेरियल के बारे में जानकारी देता हो, पदार्थ या मटेरियल क्या, मटेरियल के बारे में जानकारी देता हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसे सुनाना मुझे गलू को, समझ नहीं बात या? ये परिभाषा किसी पेपर में नहीं पूछे जाने की, जानकारी होनी चाहिए कौन सा प्रॉपर नाउन, कौन सा मटेरियल नाउन, कौन सा कॉमन नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और चार या पांच बार पढ़कर ना घर से कम से कम बैठकर कॉपी हाथ में लेके रखनी। हमें बात या, जो पढ़ेगा धीरे धीरे पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा ना वही आगे जाएगा, और जो एकदम धुरंधर बनने की कोशिश करेगा ना वो गिरेगा, मुंह के बल गिरेगा। डेली पढ़ना, कंटिन्यू पढ़ना, एक दिन का गैप लेना चाहिए। खाना डेली खाते हो, क्यों खाते हो, ऐसे ऐसे पढ़ाई का हिस्सा, पढ़ाई को ना अपने शरीर का हिस्सा बनाना, ऐसे डेली कंटिन्यू पढ़ाई करनी। ये थोड़ा ही भैंस की तरह पढ़ सो रहे सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे पढ़ाई हो, ऐसे कुछ भी नहीं सीखा जाने का। चार एक बच्चे को अप्रोक्सीमेटली चार से लेकर पांच घंटे की मैक्सिमम नींद बहुत है स्टूडेंट को, जो तुम्हारी एज है, इससे फालतू से नींद होनी चाहिए उसकी। इससे फालतू सो रहा ना वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहा, अपने फ्यूचर के साथ, बाकी फुल टाइम पढ़ाई नहीं भी कुछ आ रहा, हाथ में कॉपी किताब लेकर बैठे रहो, समझ आई बात है, पन्ने पलटते रहो, देखते रहो क्या क्या पढ़ाया गया, समझ आई बात है। दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा लो, एक सब्जेक्ट में बोर होंगे, आदमी कह रहे हैं हमारा काम पूरा होगा, काम तो कभी पूरा होगा ही नहीं। पांच सब्जेक्ट अगर पन्ने में पलटते पलटते निकाल लगा तो एक साल तो वैसे ही बीत जा, समझ में आया बात या? तो खाली कोई नहीं है, खाली वही है, पता कौन, जिसका फ्यूचर में कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसे फ्यूचर में कुछ करना ही नहीं, वो इंसान खाली। जब तक कोई इंसान बिजी नहीं होनेगा ना, तब तक उसकी जिंदगी खराब है, याद रखना बात है। इंसान का व्यस्त होना बहुत जरूरी है, जिस दिन वो बिजी होगा ना उसकी 50% समस्याएं दूर हो जाएगी, समझ में आया? जिस दिन इंसान बिजी होगा उसकी 50% समस्याएं दूर हो जाएगी, इसलिए इंसान का व्यस्त रहना सबसे ज्यादा जरूरी हो, समझ आई बात या? अगर वो व्यस्त रहेगा पढ़ाई के अंदर तो उससे बेस्ट उस दुनिया में कुछ नहीं है, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ना। अगर वो व्यस्त रह रहा अपने कैरियर के प्रति व्यस्त रह रहा तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, अगर वो व्यस्त रह रहा अन्य गतिविधियों में तो तब समस्या हो जाएगी उसके लिए, समझ में। यहां तक हो गया कॉमन नाउन, ये मटेरियल नाउन हुआ, तीसरा प्रॉपर नाउन, ये एक ऐसा नाउन होगा जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होगा, जैसे गोवा वाले बीच पे एक मरूंगा खींच, अगर याद नहीं हुए समझ में आया बात या? ये क्या है, दिल्ली, दिल्ली किसकी हो, दिल वालों की हो, और दिल वाले दुल्हनिया शाबाश, ये क्या है, मोहन किसका भाई, सोहन का, ये क्या है, ये क्या है, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, कितने नाउन हो गए भैया, तीन हो गए, यहाँ तीन नहीं लिखा हुआ हो, पढ़ा ही नहीं जब, अगला नाउन कौन सा, कलेक्टिव नाउन, एक ऐसा नाउन, बोलो एक ऐसा नाउन जिसमें किसी व्यक्ति समूह का बोध होवे है, जैसे आर्मी, ग्रुप, माय फैमिली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक ऐसा नाउन जिसमें किसी गुण अवस्था का बोध होवे है, जैसे आई लव यू, नहीं लव यू, फियर, हैट, रिस्पेक्ट, कोई दिक्कत यहां तक, आसान लगे भारी लगे, आसान लगे भारी लगे, बताओ भारी कौन बोल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, बता क्या दिक्कत है, भारी उसे लगेंगे जिसका लक्ष्य बहुत छोटा, समझ की बात है, अगर यहाँ भारी लग रहे हैं ना तो दुनिया में कभी आसान नहीं लगने के, समझ पाया बात है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने स्टडी को हम धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे। यू हैव एनी प्रॉब्लम, आज ही क्लास को ना हम यहीं रोकते हैं, और कल को ना हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे होंगे, बस तुम्हारा काम होगा जो भी करा उन्होंने पढ़ाया गया है ना वो सब कुछ याद होना चाहिए, किसी भी मारपीट हो सकती है, याद रखना बात है। दो क्लास हो चुकी ग्रामर की, अब तक कितनी क्लास हो चुकी, दो क्लास हुई, जिन्हें पहली क्लास नहीं देखी पहली क्लास दे सकते, उसमें कुछ नहीं समझाया, यही समझाया था। नाउन समझ में आ रहा, नाउन कितने प्रकार के, याद कर लोगे ना, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या नाउन है, क्या है, वर्ड, और वर्ड को कहाँ यूज करना सीखना, सेंटेंस में, और सेंटेंस सीख लिया तो क्या सीख जाएंगे, इंग्लिश, हाँ समझ में, ऐसे सीख लिया इंग्लिश को, अंग्रेजी को, एक डेढ़ महीने के बाद परफेक्ट हो जाओगे, डोंट वरी, अभी रुक बैठ।
क्यों मुंह बना रही हो?